नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने जिंदगी में किसी भी नशे से या यूं कहें किसी भी प्रकार की आदत से मुक्त होना चाहते हैं? तकलीफ हो रही है? इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। हम आपको स्टेप वाइज बताएंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी में किसी भी नशे से या किसी भी प्रकार की आदत से मुक्त हो सकते हैं। स्टेप नंबर वन, दोस्तों आप किसी भी आदत या किसी भी नशे से मुक्त होना चाहते हैं तो यह संभव है, पर पहली शर्त यह है कि आपको अपनी सोच में एक इंटेंसिटी लानी पड़ी। बस एक सुपरफिशियल थॉट नहीं कि मुझे अपनी आदत बदलनी है, बल्कि एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि मुझे किसी भी हाल में इस नशे से, इस आदत से मुक्त होना है। दोस्तों, जो पॉलो कोयलो ने अपनी एक वर्ल्ड फेमस बुक द एल्केमिस्ट में ये कहा, दैट व्हेन यू रियली वांट समथिंग द होल यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। या जब ग्रीक के महान दार्शनिक सुकरात ने अपने शिष्य को सफलता का मंत्र बताते हुए कहा कि आप मौत को सामने दिखने पर जिंदगी की जो चाह डेवलप करते हैं, वैसी चाह किसी भी चीज के लिए डेवलप कर लें तो वो चीज आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, या फिर जब शाहरुख खान ने अपने पिक्चर ओम शांति ओम में एक बहुत ही फेमस डायलॉग मारा कि आप जब किसी भी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। दोस्तों, ये सब उसी इंटेंसिटी इन थॉट की बात कर रहे हैं। आपकी सोच में शिद्दत होनी चाहिए, बस एक हल्की फुल्की विश नहीं कि मुझे इस चीज से मुक्ति चाहिए, आपकी सोच में शिद्दत होनी चाहिए कि मुझे इस चीज से छुटकारा चाहिए। दोस्तों, आप जिस भी नशे से या आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं उसके बारे में बार बार अपने आप से पूछिए कि आप सच में उस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं। क्या आप सच में उस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं? यस और नो, यस और नो। दोस्तों, होगा या नहीं होगा ये तो बाद की बात है, आप चाहते हैं कि नहीं पहले ये श्योर कर लीजिए। अपने अंदर 100% यस डेवलप कर लीजिए। दोस्तों, आपका 80% काम हो गया। स्टेप नंबर टू, दोस्तों जिंदगी में हमें बहुत से जंग लड़ने होते हैं और इस जंग को लड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे हथियार भी हैं, जैसे नॉलेज, हार्ड वर्क, पेशेंस, डेडिकेशन, स्किल, करेज एटसेट्रा एटसेट्रा। पर दोस्तों, एक हथियार ऐसा है, एक गुण ऐसा है जो अगर आपके अंदर हो तो बाकी सारे गुण अपने आप विकसित हो जाते हैं, और वो गुण है विल पावर, इच्छा शक्ति या संकल्प की शक्ति। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं सब इसी संकल्प की शक्ति ने करवाए हैं। एक बार ये संकल्प की शक्ति आपके अंदर जाग गई तो आपके अंदर वो सारे खजाने खोल देगी और सारी शक्तियां उसके अंदर से फूट पड़ेगी जिससे आप आज तक अनजान थे। दोस्तों, हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि आपके अंदर संकल्प की शक्ति या विल पावर थोड़ी कम है, पर ये मजेदार बात है कि जैसे तलवार की धार तेज की जा सकती है वैसे ही संकल्प की शक्ति भी मजबूत की जा सकती है। दोस्तों, आप दिन के 10 सिगरेट पीते हैं, 10 से 9 कीजिए। आप दारू डेली पीते हैं, वीक में बस एक दिन स्किप कीजिए। दोस्तों, आप कोकिन की 4 लाइन स्टार्ट करते हैं, 4 से 3 पे आइए। अब अपने खाने पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वीक में बस एक दिन एक मील स्किप कीजिए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर संकल्प की शक्ति या विल पावर का थोड़ा अभाव है तो आप, जैसा मैंने एग्जांपल्स दिया, अपने नशे या अपने आदत को छोड़ने की दिशा में छोटे से छोटे कदम उठाइए। फेल हो गए फिर उठाइए, फिर फेल हो गए फिर एक कोशिश कीजिए, फिर फेल हो गए फिर एक कोशिश कीजिए, क्योंकि संकल्प की शक्ति डेवलप हो रही है और जादू होने वाला है। स्टेप थ्री, दोस्तों अगर आप जिंदगी को दिशा देना चाहते हैं तो धैर्य रखना होगा। आप किसी नशे से मुक्त होना चाहते हैं या किसी आदत से छुटकारा चाहते हैं और आप उस कोशिश में बार बार फेल हो रहे हैं तो याद रखिए, कोई परिवर्तन अचानक नहीं होता। आपके पूरे दिमाग की, आपके पूरे शरीर की रीवायरिंग हो रही है। इस प्रोसेस में कुछ समय लग सकता है, कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ साल लग सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको धीरज रखना होगा। जैसे पानी को भाप बनाने के लिए पानी को गर्म करना पड़ता है, पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। पानी को लग सकता है कि मेरे अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, पर पानी का टेम्परेचर और बढ़ता है और एक समय पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आता है और उसी मोमेंट पानी ट्रांसफॉर्म होकर भाप बन जाता है। दोस्तों, आप भी एक टेम्परेचर पाकर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और जब तक वो टेम्परेचर नहीं आता तब तक आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि बिना धैर्य के आप जिंदगी जी तो सकते हैं पर जिंदगी को दिशा नहीं दे सकते। स्टेप फोर, दोस्तों एक्सरसाइज करने से केवल मसल्स डेवलप नहीं होते बल्कि ब्लड फ्लो बढ़ता है और आपके पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा या
लाइफ एनर्जी का संचार होता है और आपका मस्तिष्क भी आपके शरीर का ही एक हिस्सा है। तो आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मस्तिष्क तरोताजा रहता है, आप पॉजिटिविटी से भरे रहते हैं और आपके मस्तिष्क को निर्णय करने की शक्ति मिलती है। दोस्तों अगर आपने एक्सरसाइज के साथ मेडिटेशन शुरू कर दिया तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया, फिर तो आप मुक्त हो ही जाएंगे, आप दूसरे की मुक्ति का कारण भी बनेंगे। दोस्तों अगर जरूरत है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, पर डेली एक्सरसाइज और मेडिटेशन जरूर कीजिए। दोस्तों जैसा मैंने सेकंड स्टेप में कहा था कि आप अपने संकल्प की शक्ति को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे टारगेट्स लीजिए। जैसे अगर आप गुटखा या खैनी खाते हैं तो बस आधे दिन के लिए छोड़िए। अगर आप ड्रग्स लेते हैं तो बस एक डोप मिस कीजिए। अगर आप स्वीट कम करना चाहते हैं तो बस वीक में एक दिन स्वीट मत खाइए। या आप चाय छोड़ना चाहते हैं तो बस वीक में एक दिन चाय मत पीजिए। दोस्तों अगर आप इन छोटे छोटे टारगेट्स को कुछ महीने तक पूरा कर पाते हैं तो यकीन मानिए, आपको पता हो या ना पता हो, आपके अंदर संकल्प की शक्ति विकसित हो गई है। और दोस्तों अब समय आ गया है कि उस संकल्प की शक्ति को टेस्ट किया जाए। तो जो संकल्प आप एक समय या एक दिन के लिए ले रहे थे, अब उस संकल्प को एक वीक, एक महीना या एक साल के लिए लीजिए। दोस्तों अगर आप यहां तक आ गए तो यकीन मानिए, अब आप पानी से भाप बनने वाले हैं और ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। दोस्तों इस पूरी जिंदगी को कंफ्यूजन या भ्रम में मत निकालिए, आगे बढ़िए, क्योंकि समय बहुत कम है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको काम भी बहुत करने हैं। अपनी हर उस आदत को बदलिए जो आप बदलना चाहते हैं और हर उस नशे से मुक्त होइए जिसने आपको बांध करके रखा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आपसे वो सब करवाएंगे जो आप करना चाहते हैं।